हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज दिन हो रहा है रविवार और बाहर काफी अच्छा धूप निकला हुआ है। जल कुकड़ी उठ गई है। वाह बेटा वाह, खुद से कर रहा है ब्रश। वेरी गुड। तवा के उलटलस रे। बाप रे बाप, ब्याह करे जाता रखा हो। मेकअप कर सान रहे हैं, बीवी का गुलाम है क्या कर रहे हैं? आटा सानोगे तभी तुमको मिलेगा खाने। इधर बन क्या रहा है भाई, तनी देखे। आलू बैगन बड़ी पसंद है। तुम्हारा हो गया जी चॉकलेट। आई कुकड़ुकू कुकड़ुकू। और अभी हमारा प्लान है फटाफट यहाँ से बाहर जाने का। कहाँ जाएंगे वो आप हमारे साथ बने रहो, आपको पता चल जाएगा थोड़ी ही देर में। त्राही माम मचा हुआ है घर में। आन्या इधर आ बेटा, और अब हम निकलने वाले हैं कि भाई जितने लोगों को अभी बाथरूम जाना है चले जाओ, बाद में दिक्कत होगा। अभी हमारी कैब आ चुकी है। देखो दोनों बच्चा को गोदी चाहिए। ओह माय गॉड, मिस ब्रिगेंजा आ रही है हमारे साथ। भैया एक मिनट, चाउमीन वाले गली में। वाह अमेरिकन लग रही है। हे गाइस, तो हम लोग पूरा पलटन लेके निकले हुए हैं अभी। सब लोग कम्फर्टेबली बैठ गए हो ना? लेट्स गो। तो अभी कहा हम लोग दिल्ली में नहीं थे क्या? Take what I hate and finally make a move. Train service and all the shit you don't do. देखिए दोस्तों यहाँ पे चल रहा न्यूज रिपोर्टिंग। तो अभी घड़ी में बज रहा 1:38। बेसिकली हम लोग ऑलमोस्ट 2 बजे के आसपास पहुँचेंगे। कल हम लोग सिंपली यही जगह से हम लोग लिए थे लेफ्ट, अभी राइट। जहाँ तुम जा रही हो उधर नहीं। ये देखो बच्चों, जहाज का प्रोटोटाइप। चलो सीधा। तो बेबी को हम लोग इसमें लिटा दिए अभी आराम से। कम चलो इसको खोलने दो, चेहरा पे धूप नहीं लगेगा। तो मेरे सारे दिल्ली के दोस्तों देख के याद करो, याद आ रहा है पुराना किला? तो फिलहाल अब हम चलते हैं अंदर, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से हेरिटेज साइट है। बैठना है क्या उधर? कैसे फोटो खींचे? अभी लॉगिंग हो रहा है। हम लोग को लगा थोड़ा ठंडक होगा, बट गर्मी बहुत है ना। तो ये गाइस गर्मी बहुत ज्यादा है, तो हम लोग सोचे जैकेट वैकेट उतार दिया जाए। पार्क तो बहुत सुंदर है यार। इधर आप देख सकते हो मेरे पीछे कितना सुंदर पार्क, और इधर भी आप देख सकते हो। ये पुराने किले का एंट्री है, और इसके दोनों साइड ये लश ग्रीन पार्क है। इनफैक्ट यहाँ पे भी आपको दिख सकता है, और बाकी किले का और भी बहुत सारा हिस्सा है जो आगे हम जाएंगे तब हमें पता चलेगा। आन्या किधर है, मंगल किधर है? अच्छा तुम लोग कब आगे निकल गए बे? चलो बेटा हम लोग के साथ चलो, वहाँ चलना है तो देख लो, वो एक गुंबद जैसा है कुछ। नहीं चाहिए, बैग में डाल लो। अभी मौसम जो है वो थोड़ा सा गर्म है, बट जैसे ही शाम होना शुरू होगा मौसम बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अभी यहाँ कर लेते हैं कुछ फोटो शूट्स जो हम लोग डालेंगे अपने इंस्टा पे। ग्रीनरी तो मस्त है नहीं सिंपी? पार्क का साइज देख रही हो, मजा आ गया। देख इधर लेके एक चादर लो और लेट जाओ बस। तो दोस्तों आज यहाँ पे होने वाला है काफी बड़ा फेस्टिवल, आई डोंट नो क्या है। आज हम लोग सही टाइम पे आए। नहीं जानती हो, कभी कभी ना लाइफ में बिना प्लान किए निकल जाना चाहिए, कुछ ना कुछ तो चलते ही रहता है। कोई नहीं, प्रैक्टिस ही देखेंगे यार ऐसा। ये एंट्री बाई इन्विटेशन ओनली है क्या? तो ये इवनिंग ऑफ डांस एंड म्यूजिक है, तो ये तो बहुत मज़ेदार होने वाला है। फिलहाल मैं आपको थोड़ा झलक दिखा दूँ, तो यहाँ पे चल रहा है आपका रिहर्सल। आप देख सकते हो यहाँ चल रहा है रिहर्सल। आन्या बहुत ज़्यादा रो रही है, और वो देख के तो यही पता चला कि आन्या को डांस और म्यूजिक में काफ़ी इंटरेस्ट है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग चलते हैं अंदर कहीं छाँव में। छोटी को भी अपने बेबी को फीड करना है, क्योंकि वो बहुत देर से कुछ खाई पी नहीं है। सुंदर जगह है नहीं? हाँ बहुत प्यारा है यार। चलो इधर ही कहीं हम लोग बैठते हैं। नहीं कुमार उधर चलते हैं, वो पेड़ का छांव बहुत अच्छा है, चलो उधर। तो हम लोग जगह ढूंढ रहे थे बैठने का, फाइनली यहाँ पे काफी अच्छा छांव है। क्या खूबसूरत है यार, यहाँ पे तो आदमी सो जाए। बोलो इधर बैठना है इस जगह पे। आप लोगों को अगर पता नहीं सुनाई दे रहा है कि नहीं, लेकिन उधर से बहुत अच्छा म्यूजिक बज रहा है। लोग अपने लोक गीत सुना रहे हैं। आन्या उधर नहीं जाना है बेटा। क्या है ए बेटा, देखे बंगाली गीत है ना,
तो हम लोग यहाँ चादर बिछा दिए हैं और अभी बेबी करेगी फीडिंग। तुम उठ गई, तुम देख लो आज चारों तरफ हर जगह ग्रीनरी है। काफी देर हो गया और टाइम आ गया हम लोग को निकलने का, तो फिलहाल ये कैमरा हम करते हैं फॉरवर्ड और आप देखिए यहाँ का नजारा। तो दोस्तों ये भी कोई एक गुंबद है, आई डोंट नो क्या है, बट इसके सराउंडिंग में काफी अच्छा लश ग्रीन पार्क विद काफी सारे लोग। तो अभी फिलहाल हम चलते हैं और निकलते हैं यहाँ से बाहर। यहाँ पे खाने का कोई व्यवस्था नहीं है, आपको खाना अगर आप बाहर से लाते हो तो वो भी अलाउड नहीं है। तो ये बड़ा अच्छा साइन है यार, मतलब आप किसी को आप बोलो कि आप 24 घंटे यहाँ रह सकते हो लेकिन आप खाओगे नहीं अंदर, और ना अंदर कोई रेस्टोरेंट है, तो आप ज्यादा देर रुक ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ चलने के बाद आप थक जाओगे, लग जाएगा भूख। कैसा लगा सिंपी? तो अभी हम लोग चल रहे हैं बाहर, निकलते हैं यहाँ से। नहीं ये देखो आप लोग को कुछ दिखाने के लिए, तो ये भी कोई मॉन्यूमेंट है, पता नहीं क्या बोलेंगे, जो भी बोल लो आप। दो दिन में दिल्ली का काफी दर्शन कर लिया हम लोग। ऊपर आसमान देखो कितना साफ हो रहा है और धूप भी बहुत तेज। तो चलते हैं अब बाहर, आपको देते हैं एक छोटा सा टूर। काफी बड़े वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है ये, हिंदी भी अच्छा निकल रहा है आज तो, काफी बड़ा क्षेत्रफल है। चलो बहन लोगों, क्या किया नया, चढ़ गई क्यों, क्यों चढ़ गई, थक गई, थक गई है। चलो ओ मेरा बच्चा, पापा पूरा पसीना पसीना हो गया है, वो देख रही है। हाँ। बहुत खूबसूरत लग रहा है देख के। अंदर देखो म्यूजियम है वो। हाँ। बहुत सारा चीज़ है। हाँ, अंदर में बाहर चलते फिर देखते, कुछ खाने का यहाँ पे है ही नहीं सिस्टम मतलब। तो अभी हम लोग बाहर निकलते, काफी थकान हो चुका है और धूप भी बहुत ज्यादा तेज है। तो अब टाइम हो गया निकलने का, बहुत ज्यादा थक गए हम लोग, बहुत जोर का भूख भी लग रहा है। तो अभी टाइम कुछ 5 या 6 के आसपास ही हो रहा होगा, और आज के दिन तो मेरे को लहसुन प्याज भी नहीं खाना, तो थोड़ा जगह ढूंढना भी थोड़ा मुश्किल है। अभी हम लोग ऑटो में बैठ चुके हैं, इधर से कुछ भी कैब जल्दी नहीं मिल रहा था, तो अभी हम लोग जा रहे हैं खान मार्केट खाने के लिए। अन्य उन्हीं लोग के साथ अब हम लोग घर जा रहे हैं, तुम अपना बिया के साथ रहो ठीक है। मुँह देखो इसका, बाय। चलो चलते हैं खान मार्केट, बहुत जोर का भूख लग रहा है, बहुत ही जोर का। तो सभी हम लोग आ गए खान मार्केट, लगा है बहुत जोरों का भूख, देखते हैं कुछ खाने को अगर मिल जाए। अभी हम लोग आए हैं खान मार्केट में और यहाँ पे गुपचुप और टिक्की देख के तो बहुत जोरों का भूख लग गया, तो अभी बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो अभी करते हैं खाते हैं कुछ गोलगप। तो अभी लगवाया हमने टिक्की एक प्लेट, कैसा है गुपचुप? बहुत मस्त। क्या टू गुड, कैसा है छोटी? ये जानती है, ये आलू चाट पूरा हरा चटनी वाला खाएगी, बनाओ गुपचुप यार बहुत मजेदार है, मजा आ गया था। भाई साहब ये कितना लंबा गाड़ी है, रोल्स रॉयस। ये हमने लिया हुआ है छोले कुलचे और ये देख के तो काफी टेम्पटिंग लग रहा है, अभी खा के बताते हैं आपको कैसा है। दिखने में तो बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है यार, कैसा है? अच्छा है ना। अन्या सुबह से कुमार को छोड़ी नहीं है और बेचारा इसका पता नहीं कैसा है। तुम्हारा पीठ वीट ठीक है अभी? ऑल गुड है बेबी। चलो इधर मस्त होके सो रही है अभी, ए हंस रही है। ये टोकरी बैग देखो, बट वैसे डिजाइन काफी अच्छा है सिंपी, वो अच्छा है वो वाला। हाँ टाउन हॉल, ये काफी सही मार्केट है नहीं घूमने के लिए। तो हम लोग अभी हैं खान मार्केट में और यहाँ पे शॉपिंग हो रही है। सिंपी ये पहन लो तुम, ये झिंगा लाला। अरे मजाक कर रहे हैं भाई, ये क्या है जापानीज उपनीज है क्या ड्रेसिंग? तो ये लोग अभी गए हैं एनसोल डिजाइन आन्या के लिए कुछ एक्सेसरीज खरीदने, और आपको मार्केट का थोड़ा नज़ारा दिखा दूं, काफ़ी सही है माहौल इधर। आई थिंक सिंगल बुटीक्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा। आहूजा सन्स प्रीवी, कुछ मिला तुमको क्या? ये आन्या के लिए ले रही है क्या? दिखाओ दिखाओ आन्या, आन्या को पूरा मजा आ रहा है, ये तो बहुत प्यारा है। I'm busy right now, thank you.
खान चाचा का रोल, आज संडे है वरना खान चाचा का रोल तो जरूर खा के जाते हैं। तो अभी हम लोग बनवा रहे हैं शकरकंदी, और ये खाने में इतना मज़ेदार होता है ना। ये पहले से किस में, आग में ही पकाते हो या कैसे करते हो? उबाल के रेत में, ये रेत में पका हुआ और अभी इसमें कोयला लगा हुआ है। एक इसमें दो और वो दे दो। ओ, तो चलते हैं दोस्त वापस, बहुत ही ज़्यादा थकान हो चुका है अब हमें, और यहाँ से अब हम सीधा निकलते हैं द्वारका, तो वहाँ से हम लोग निकलेंगे गुड़गांव अपने घर के लिए। अभी कुछ कंफर्म नहीं है। तो हम लोग आए थे वैसे पुराना किला घूमने, खान मार्केट में ज़्यादा समय बिता दिया नहीं। देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज, अरे एम्बेसी था, कतार का एम्बेसी। ये देखो दोस्तों, वीआईपी मूवमेंट के चक्कर में गाड़ियों का जाम। गूगल आंटी जो है वो बता रही है 12 मिनट, बस मन कर रहा है जाके फ्रेश हो और बिस्तर पे गिर जाऊं। अन्य तो पता नहीं आज कुमार का बाजा बजा। फाइनली दोस्त हम लोग पहुंच गए, जय भोलेनाथ। एक लेफ्ट लेके दूसरा लेफ्ट लेना ना भैया, आप ले तो लीजिए अपने, पहुंच जाइएगा। हे गाइस, हम लोग बाहर से आ गए हैं। बाहर से आने के बाद बिल्कुल हिम्मत नहीं था, अभी खाना भी हमारा बन के हो गया रेडी, और आज खाना जो है छोटी नहीं बट कुमार बनाया है। तो कुमार बनाया है आलू का गोभी वाला भुजिया। तो यहाँ दाल बन के हो गया रेडी, इसमें लगेगा तड़का, और ये है भाई अमेजिंग रसमलाई। तो आन्या बेबी के साथ व्लॉग देख रही है, चला हुआ है। तो अभी हम लोग करने जा रहे हैं डिनर, तो अभी फटाफट खाते हैं ये खाना, और उसके बाद सिंपी अभी खा रही है, अन्य को पता नहीं कुछ भी नहीं खाना है। और आजकल तो बच्चा 2 महीना का हो चाहे 2 साल का हो, सबको चाहिए टीवी में कार्टून। तो दोस्त आज के ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल पे थम्स अप दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद मिलता है। तो थैंक यू सो मच। जो भी लोग नए हैं हमारे चैनल पे, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपसे अगले ब्लॉग में, उम्मीद करते हैं आप भी अच्छे होंगे। गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय।